देखो चार बीड़ा वड्डिया दसम ग्रंथियां ने पुरानिया जिन्हों का जिक्र रतन सिंह जग्गी भी किया है। चार बीड़ा ने एक बीड भाई मनी सिंह वाली, दूजी बाबा दीप सिंह वाली, दूजी बीड जी है पटना साहब वाली जी उपलब्ध है, तीजी बीड जी है मोती बाग गुरुद्वारे पही है दसम ग्रंथ की प्रातन संगरूद वाली बीड। चार बीड़ा ने चार बीड़ा नूं लिखण वाले वख वख स्थानां ते बंदे ने, वख वख थावां ते लिखियां गईयां ने, वख वख लिखारियां दीआं लिखियां गईयां ने, और एक दे सामने दूजी बीड नहीं है, एक दे सामने दूजी बीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हां नूं जदों असीं ध्यान नाल पढ़दे हां ते इन्हां दीआं बाणियां दा क्रम वखरा वखरा है। किवें वखरा वखरा है? जाप साहिब सारियां बीड़ां च पहला है, बचित्र नाटक भाई मनी सिंह वाली बीड च, मोती बाग वाली बीड च बचित्र नाटक दूजी रचना है, संगरूर वाली बीड जी उहदे च शस्त्र नाम वाला दूजी रचना है, ते अकाल उस्तत जी है ये पटना साहब वाली बीड विच दूजी रचना है, तीजी रचना जी है भाई मनी सिंह वाली बीड च चनी चरित्र है, मोती बाग वाली बीड च चनी चरित्र है, संगरूर वाली च अकाल उस्तत है, ते पटना साहब वाली जी बीड है सवैये आ जाते हैं तीजे नंबर से। चौथे नंबर उत्ते मनी सिंह वाली च चनी चरित्र दूजा, जिहड़ी मोती बाग वाली है चनी चरित्र दूजा, जिहड़ी संगरूर वाली है उहदे च बचित्र नाटक, ते जिहड़ी पटना साहिब वाली है इहदे च बचित्र नाटक आ जाता है। इहदा मतलब की होया? चारे बीड़ां वख वख स्थानां ते लिखियां गईयां, चारां दे सोर्स वखरे वखरे, चारों के सामने जिहड़ियां पोथियां ने वखरियां वखरियां। हुण चार बंदे जिहड़े ने जिहड़े वख वख थावां ते लिख रहे ने, पुरातन लिखारी ने वख वख थावां ते, उन्होंने सोर्स वखरे वखरे ने, उन्हां दा क्रम बाणियां दा वखरा वखरा है, वो चार ही सिर है श्री मुख वाघ पातशाह दसवीं सारियां बाणियां ते लिखते ने। ते इह किसे दी जालसाजी हो सकदी है? जालसाजी ते एक बीड़ च होएगी ना, चार बीड़ां च किवें होगी? सारिया बीड़ा के उत्ते श्री मुखवाल पातशाह दसवीं कितों आ गया जो महाराज जी की बाणी नहीं सी? एक सिख एक कोई लिख देता, गलती ना लिख देता या मिलावट करके लिख देता, सारे ने लिख दिता। सो ये जिस किस्म के तर्क उसारे जा रहे हैं ये ना टिकन वाले तर्क ने।